da, știm că sărmese de cana e gata. Da, tata mere ni de da? Are așa cum tăși. Mandi agne să ar bărbă khai tăk khatam nu yoga na. Run. बंदर आ चुका है इतना बड़ा भागने के लिए तो वैसे ही मैं तैयार हूँ भाग जाओ हाँ भैया कौन से कौन से अरे ऐसी कम तैसी भागने के लिए तैयार गाइस मैं तो भागने के लिए तैयार ही हो गया था पूरा अब चला गया अरे कैसा मेरी राधी बंदर जा रहा है मेरी राधी बंदर आता है बंदर छुपन छुपाई मत खेल भैया भैया बंदर भाग गया बड़ा बंदर आ गया था और देखो पानी के लिए तोता वहां पे बैठा हुआ तोता क्यों बोलता हूँ मैं दिख रहा होगा बहुत बड़ा बंदर आया था कैसे पतंग बहुत दूर पहुंच गया आपको दिखने के लिए शायद स्क्रीन में देखता हूँ दिखाता हूँ मैं आपको देखो ये पतंग इनकी जी दूर पहुंच गई बिल्कुल झूमर झूमर घूम रही है क्या और देखो क्या बोला मेरा भी लो कैसा पतंग का हुआ मुझे नहीं लगता अरे यार मैं नीचे जा रहा हूँ मुझे नहीं बनाना ऊपर का चाचा मेरे नीचे आ जाओ कैसे कह रहा आंटी आ गई वापस से अपनी पतंग बताते हैं और खड़ी है बिल्कुल आराम से बिल्कुल जैसे बादलों के मजे ले रही है और बिल्कुल मुड़ के देख रहे कहीं और तो नहीं कुछ नहीं तो नहीं आया इसके सामने देखिए गाइस मौसम कितना बेहाना हो रहा है आसमान में और पेड़ बड़ा सुंदर दिख रहा है ना देखना बिल्कुल पेड़ बिल्कुल अच्छा सा और एक झंडा रहला रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे और अब दो तोते हो गए हैं वहां पर ओ मेरे सर पे बूंद पड़ी एकदम से बादल भी गरज रहे हैं तो कितनी तेज आते हैं बिल्कुल पंख लहराते हुए गाइस छत पे मेरी इतनी सारी बूंदे पड़ना शुरू हो गई है और एकदम से मैं तो बिल्कुल भाग ही गया था देखना बिल्कुल फटाफट भी बेलपुरी बूंदे बोल रही है देखना बिल्कुल फटाफट मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ पे हमारे टाइम बारिश हो रही है और सारी चिड़िया भी भीगी है देखना आपको मैं दिखाता हूँ तो गाइस हम ऊपर चलते हैं आपको ऊपर का दिखाते हैं कैसा हो रहा है हम ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हल्की हल्की बूंदे भी आ रही हैं हल्की हल्की पूरी तेज आ रही हैं हाँ ओ यार मेरे पैर देखना
पानी में और नाला भी भर चुका है पूरा। भैया कौन भीग? कौन भीगा? हम आपको दिखाते हैं अभी। तो गाइस देखिए यहाँ पे अभी बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। देखिए हमारा जो नाला भी है वो भर चुका है और टैंकर सब भीग चुके हैं। देखिए सामने भी हमारे पैर कितने डूब रहा पानी में। और हाँ हमारे पैर भी जो है डूब चुके हैं और यहाँ पे पानी पानी हो रहा है। हमारे जो हर चीजें भीग चुकी है और आज बहुत तगड़ी बारिश आ चुकी है। चल चलते हैं। आज तो मैं बहुत थक गया ऊपर को। देखिए मेरी परछाई। जैसे कि मैंने आपको बताया तो मेरे चाची का बर्थडे है। आओ चलते हैं चाची का केक दिखाने को। ये मेरे चाची का केक और इस बीच में मैंगो। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मैं ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपको कल रात बताया था, देखो कि वो जब सोते हैं तो पूरे पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। एयरपॉड्स का डब्बा और वो एयरपॉड्स मैंने लगा रखे हैं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सही है ना। अरे कैसे कर रहे हो भैया? अरे कैसे? ये लो पीछे से जाओ, निकलो निकलो क्या? अरे रुको मैं से उल्टा करता हूँ। अरे तेरी, निकलो निकलो जल्दी जल्दी निकलो निकलो निकलो। सो गाइस सक्सेसफुली ये निकल चुके हैं इस छोटे से डब्बे में और हमारी चिड़ियों ने हल्ला मचा दिया था। सो गाइस डब्बे में गिर गया था। अब बैठा हूँ सही से सही डायरेक्शन में। भाग रहा था मैं। हमारा डांसिंग डिस्को डिस्को। अरे वो गलती से टोपी गंदी हो गई। ठीक है दिन 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 दिन। बहुत काला काला है। जमीनों पे पैर के लाइफ। अरे ए चलता नहीं रैंप। हाथ चलेगा ये। कितनी कम रोशनी है भाई। अच्छा है मेरी आंखें गंदी है। एक सेकंड ऊपर सेट करने दो। आप एक फैक्ट बताता हूँ दुनिया की फास्टेस्ट बस। अरे वो नहीं सोचने दो। आज चीन के बाद में करोड़पति बताएगा। आज चीन के बारे में ये बात। दिमाग को रख दिया था और या फिर दिमाग
आइसक्रीम के दिमाग में से निकाला ही नहीं गया था, आधा आइसक्रीम के सर में से निकाला ही गया था। ठीक है तो मैं आंसर बताता हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर है। आंसर है, आंसर है आइसक्रीम का दिमाग काटा गया था, टॉम एंड जेरी ने काटा था, क्योंकि क्योंकि उसको देखना था कि आइसक्रीम ने बोला था ना कि मेरा दिमाग को चेक मत करना जब मैं मर जाऊंगा, तो उसने सोचा था कि क्यों ऐसा क्या बात है, तो उसने जब रिसर्च करी इसके उसकी रिसर्च जब करी उसने तो पता चला कि उसके दिमाग में बहुत सारे सेल थे, हमारे सेल थे, हमारे दिमाग में सेल बोलते हैं जो जिससे हमें इंटेलिजेंट होता है, तो उसके दिमाग में इतने सेल थे बहुत सारे, तभी सही वो इतना आइसक्रीम इतना ताकतवर, और उसने दुनिया का सबसे तगड़ा बॉम्ब परमाणु बॉम्ब उसने आइसक्रीम का बना था, और रेगिस्तान में या फिर पाकिस्तान में कौन सा बना था, राजस्थान में जो निकल गया था, राजस्थान में एक वो परमाणु बॉम्ब था, वो नकली था, हाँ वो नकली था।